कोरोना संक्रमण से आरएसी के जवानों को बचाने के लिए टोंक की नवी बटालियन के मुख्य द्वार पर सैनिटाइज टनल बनाया गया, जो आईपीएस विनीत कुमार बंसल के निर्देश में लगाया गया, जहां ड्यूटी से आने के बाद इस टनल में जवान 5 मिनट सैनिटाइज हो रहा है। जवान कई संक्रमित इलाकों में से आने के चलते सुरक्षा के लिए टनल लगाया गया है। टोंक के आरएसी नवी बटालियन के मुख्य गेट पे एक सैनिटाइजर टनल लगाया गया है, जो कि जवानों को सुरक्षित रखने का कार्य कर रहा है। जो जवान ड्यूटी से वापस जब आते हैं तो इस टनल से होकर गुजरना पड़ता है, जिसके चलते वो इस संक्रमण से बचाव के लिए ये टनल लगाया गया है। हमारे नवी बटालियन के कमांडेंट आईपीएस अधिकारी विनीत कुमार जी बंसल हमारे साथ हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार का ये टनल है। और वर्तमान में आप सबको विदित है कि कोरोना वायरस की महामारी फैली हुई है और टोंक उसमें काफ़ी संवेदनशील है, और हमारी पूरी बटालियन की 3 कंपनियां अभी टोंक जिले में ड्यूटियां दे रही हैं। चूंकि ये सभी संक्रमित क्षेत्र और कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र सब जगह पर ये ड्यूटियाँ देती हैं, तो बटालियन परिसर में कांस्टेबलों की सुरक्षा और बटालियन परिसर को संक्रमित होने से मुक्त होने के लिए ये हमने ही हमारे स्तर पर हमारे आरएसी के जवानों के द्वारा एक सैनिटाइजर टनल बनाई गई थी, जिसके अंदर है ना जब ड्यूटी से जब कांस्टेबल आते हैं तो उन सबको इसके अंदर से गुजरते हैं, तो ये सारे लोग है ना, सारे जो कांस्टेबल और जवान होते हैं वो सारे है ना उससे सैनिटाइज हो जाते हैं, ताकि हमारी बटालियन परिसर सुरक्षित रहे, संक्रमित होने से मुक्त रहे। इस दिशा में छोटा सा प्रयास है। ये था हमारे साथ विनीत कुमार जी बंसल, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जवानों की सुरक्षा के लिए ये टनल लगाया गया। इस टनल में प्रवेश करते ही 5 सेकंड में जवान को ये पूरी तरह से सैनिटाइजर कर दिया जाता है। टोंक से फिरोज उस्मानी, A1 TV।